we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो ब्लॉग होगा दरभंगा से कोलकाता जाने की जर्नी पे। मुझे कोलकाता जाना पड़ा इमरजेंसी कोई काम के कारण। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो बैग है वो बैग रेडी है, और अभी ट्रेन है मेरा 3:45 से, और मुझे वहाँ पर तकरीबन 3 बजे तक एनी हाउ पहुँचना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के कुछ हो सकता है टेस्ट हो, कोविड टेस्ट हो स्टेशन पे, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं डायरेक्ट दरभंगा स्टेशन पे। हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, भीड़ पड़ी है, तो हमें ये सीढ़ी लेके ही जाना पड़ेगा। बंद थी इसलिए हमें सीढ़ी लेके ही जाना पड़ेगा, और गाड़ी जो है वो हमारी प्लेटफॉर्म 2 पे लगी हुई। तो चलिए पहले मैं अपने ट्रेन पे बैठ जाता हूँ, फिर हम लोग आपस में बात करते हैं। और ये मैं ट्रेन के अंदर में आ गया हूँ, और चलिए अब अपना सीट खोजते हैं और आगे की बात और रास्ते में होगी। और फाइनली अब ये ट्रेन खुल चुकी है, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, पूरा ग्रीनी ग्रीनी है चारों तरफ। वाओ, ऐसे ऐसे और भी आपको मिलेंगे आगे रास्ते में। ये जो आप दूर एक घर देख रहे हो, ये पहले एक फैक्ट्री थी। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा बाढ़ का पानी है, अभी जो है बिहार में वो पूरा पानी भरा हुआ है, बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे अभी, और जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनी है। अब जैसा कि देख सकते हो, देखो कितना पानी है, पूरा भरा हुआ, पूरा पानी ही पानी है दूर दूर तक। इसी पानी के कारण ट्रेन चलना भी बंद हो जाता है कभी कभार, और पूरा बाढ़ आने का संभावना बना हुआ है। आप जितना दूर दूर तक देख पा रहे होगे, ये जितना भी पानी आपको दिख रहा है ये पूरा बाढ़ का पानी है, और इसी बाढ़ के कारण कई बार तो दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में ट्रेन सर्विस भी बंद हो जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं जब इतना बारिश हो तो। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये ब्रिज हायाघाट ब्रिज है, और इसी ब्रिज के नीचे पानी लेवल ज़्यादा होने के बाद दरभंगा और समस्तीपुर के बीच में ट्रेन सर्विस बंद हो जाती है। आप देख सकते हो कि पानी का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारी ट्रेन स्लो हो रही है, इसका मतलब है कि हम लोग समस्तीपुर पहुँचने वाले हैं, और फाइनली हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं। तो ट्रेन तकरीबन 10 से 15 मिनट रुकी समस्तीपुर में, और वापस से निकल चुकी है कोलकाता के लिए, तो हमें समस्तीपुर को बाय कहना पड़ेगा। फिर मिलेंगे समस्तीपुर।
फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सदी के सबसे बड़े पोएट रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म स्थल पर। मैं आपको दिनकर जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो अपने टाइम के बहुत बड़े पोएट थे और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरिया, और ये जो आप देख रहे हो वाइट वाइट कलर का, ये एक न्यू ब्रिज बन रहा है गंगा के इस पार से उस पार मिलाने के लिए। और ये जगह सिमरिया जो है वो फेमस है गंगा स्नान के लिए। तो चलिए आपको हम गंगा जी का दर्शन कराएं। और हाँ, आपको जो वो ग्रीन कलर का घर दिख रहा है उसके चारों ओर पहले खुला मैदान होता था, बट देख रहे हो आप वो ट्रक भी डूब चुका है बाढ़ के पानी के कारण, इतना पानी भर चुका है चारों तरफ। और अब हम लोग राजेंद्र पुल पे आ गए हैं गंगा नदी को पार करने के लिए। और ये जो आपको एक मार्केट सा दिख रहा है, ये मार्केट है यहाँ का, जब लोग गंगा नहाने आते हैं तब यहाँ पे अपना शॉपिंग करते हैं। और ये देखिए पूरा चारों ओर पानी ही पानी है, पूरा सब घर वर डूब चुका है इसमें। और ये हमारी गंगा नदी है, हम लोग इन्हें माँ गंगा भी कहते हैं। इस नदी से हम लोगों की काफ़ी बचपन की मेमोरी है, हम लोग बचपन में इधर स्नान करने के लिए आते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। अभी तो पूरा ये नदी भर चुका है, आप देख सकते हो कि कितना पानी है अभी चारों तरफ, बट बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हम लोगों की इस नदी से है। हम लोग घाट पे आते थे नहाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो वो पानी की धार है, आप देखो ये पानी की धार कितनी तेज है, बहुत तेज है, क्योंकि अभी पानी पूरा भरा हुआ है गंगा नदी। और इसी बीच आखिरी बची हुई सुधा की रबड़ी मैंने खा ली, और चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सुबह कोलकाता में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो फुल स्क्रीन पे ना दिख रहा होगा, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे वीडियो इस एंगल पे शूट करना पड़ा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कोलकाता स्टेशन दिखाता हूँ। और ये है हमारा प्यारा कोलकाता स्टेशन। अभी सुबह सुबह का टाइम है इसलिए आपको क्राउड कम दिख रहा होगा। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ये देखिए आप चारों तरफ कितना ब्यूटीफुल है। तो मुझे स्टेशन से घर जाना था तो मैंने सोचा कि उबर कर लेते हैं, बट उबर पे मॉर्निंग में प्राइस काफ़ी हाई दिखा रहा था तो मैंने नॉर्मल सी टैक्सी कर ली। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्यारा और ब्यूटीफुल कैलकाटा। और ये जो रोड पे आपको येलो टैक्सी दिख रही है, ये यहाँ की फेमस ये टैक्सी है जो कि सिर्फ कोलकाता में ही चलती है। और अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, ये जगह काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिए, इसका नाम है स्प्लैनेट। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग ओबेरॉय होटल है, और इसके नीचे में ही सारे शॉप्स लगते हैं, लोकल शॉप लगते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है ये, और कलकत्ता का सबसे पुराना मार्केट भी है। काफ़ी अच्छा जगह है कम प्राइस पे शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क स्ट्रीट क्रॉसिंग, और ये एरिया काफ़ी फेमस है, और ये एरिया रॉयल एरिया है। और ये जगह बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया जाता है क्रिसमस डे के दिन। आप अगर कोलकाता आते हो तो उस दिन ज़रूर यहाँ पे आना घूमने के लिए, काफ़ी सुंदर जगह है ये। और इसी एरिया में अभी इंडिया का करंट सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है,
जिसका नाम है द 42। ये जो आपको दिख रहा है ये है द 42, जो इंडिया का करंट में सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये, और स्पेशली इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन इसे अच्छे तरीके से सजाया जाता है। आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ की स्काई भी काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। और यहाँ से ये जो आपको सामने जो दिख रहा है, यहाँ से एक रोड जाती है हमारे कॉलेज की तरफ, और अब हमारा घर भी काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो चलिए अब घर की ओर चलें। और ये जो मस्जिद है वो यहाँ की काफ़ी फेमस मस्जिद है, जो कि टीपू सुल्तान के नाम पे है। और ये मैं जहाँ रहता हूँ वहीं की मस्जिद है, और मैं अपना घर पहुँच चुका हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।